कम बजट के अंदर आईफोन ने एक बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन निकाला है। 14 128 GB आपको मिल जाएगा जापान वर्जन 2850 में। 512 GB चाहिए तो 512 GB जापान वाला आपको मिलेगा 5600 में okay. और USA वाला मिलेगा 5200 में। और TRA भी रहेगा आपके पास? हमारे पास TRA भी अवेलेबल मिल जाएगा 1600 में, जापान वेरिएंट और USA वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6100 में। क्या बात है। 14 Pro 1TB जापान वेरिएंट आपको मिलेगा 6100 में और USA वाला मिल जाएगा आपको 5700 मींस के 400 दिरहम का डिफरेंस पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आईफोन की लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मौजूद हैं इस टाइम 7 Wonder के ऊपर और आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आईफोन की प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस ड्रॉप हो गई हैं, लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है कि पहले यहाँ पर हांगकॉन्ग बिक रहा था, US की अवेलेबिलिटी नहीं थी मार्केट के अंदर, लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपको US का जो स्टॉक है वो भी अपडेट करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा भाई, जो कि तमाम जितने भी मॉडल हैं इसके ऊपर डिटेल प्राइसेस हमें बताते हैं। तो चलते हैं हुज़ैफ़ा भाई की तरफ। जी हुज़ैफ़ा भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुज़ैफ़ा भाई, आज की वीडियो में ख़ास क्या होने वाला है, डिफरेंट क्या होने वाला है? जो पहले मार्केट में आईफोन 14 सीरीज़ में जो USA वेरिएंट था, कभी अभी बीच में माल शॉर्टेज गया था, तब आईफोन USA का प्राइस में और जापान का प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं था। और अभी का जो मार्केट है उसके अंदर USA का बहुत डिमांडेड है, यूज़ के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राइस में भी डिफरेंस दिख रहा है। कितना तकरीबन डिफरेंस आ गया? तकरीबन 300 से 400 दिरहम तक का USA में डिफरेंस दिख रहा है। क्या बात है। तमाम मॉडल्स के अंदर? तमाम आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स सीरीज के अंदर ओनली। ठीक है, 14 प्रो यानी कि सिंपल जो 14 है उसमें नहीं है? 14 और 14 प्लस में USA में इतना डिफरेंस नहीं है, वो सेम रहेगा जी। तो जो जानना है वो हमें 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की प्राइसेस जी 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की प्राइसेस को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 14 128 की क्या प्राइसेस है आज के दिन के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आपको जो भी प्राइस दी जाएगी वो सारी प्राइस जो है वो विदाउट टैक्स है। 5% टैक्स आपको अलग से पे करना है। अगर आप टूरिस्ट हो तो 5% टैक्स जो लगता है वो आपको एयरपोर्ट से रिफंड मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि 1000 के ऊपर तकरीबन 50 दिरहम जी जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं आईफोन की, तो जितने का भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो 5% टैक्स आपने कैलकुलेट कर लेना है। और ऐसा तो नहीं कि अगर वैट की प्राइस डालते हैं तो आप मार्केट से प्राइस आपके ऊपर चली जाती है? वैट की प्राइस जो हम जब कस्टमर दुकान में आता है तो हम सारी इंक्लूडिंग वैट ही प्राइस बताते हैं, और उसमें से आप जब लेस करोगे तो मार्केट से बेटर प्राइस मेरा होगा। अच्छा, ये और इस वीडियो में आपको हम USA के मॉडल के बारे में भी बताएंगे। USA मॉडल जो भी आएगा सारा फैक्ट्री अनलॉक, 1 ईयर नॉन एक्टिवेटेड एप्पल वारंटी के साथ। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि नॉन एक्टिवेट बिल्कुल फ्रेश है जी। यानी कि जितना भी स्टॉक मिलने वाला है बिल्कुल एक्टिव नहीं हुआ हुआ, नॉन एक्टिवेट होगा। तो बात करते हैं 14 128 की। 14 128 GB आपको मिल जाएगा जापान वर्जन 2850 में। जापान वर्जन 2850 में। और अगर 256 की बात की जाए? 256 की बात की जाए तो 256 आपको मिल जाएगा 3350 में। 3350। और 512? और 512 आपको मिल जाएगा 3650 में। और 1 TB तो इसमें है कि नहीं? इसमें फिर 1 TB नहीं, उसके बाद जो आता है जिसको बड़ा साइज यूज़ करना है, अगर स्क्रीन बड़ी चाहिए तो उसके लिए आईफोन ने भी एक नया मॉडल निकाला है जिसको बोलते हैं आईफोन 14 प्लस, जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसमें एक कम बजट के अंदर आईफोन ने एक बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन निकाला है। उसमें डिफरेंस क्या रहेगा फ़ोन के अंदर? आईफोन 14 और 14 प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी लाइफ और स्क्रीन बड़ा किया हुआ है। और कैमरा 3 है कि 2 है? कैमरा भी 2 ही है। कैमरा 2 है उसके, ठीक है। और प्राइसेस क्या रहेंगी 14 प्लस की? 128 128 GB आपको मिल जाएगा 3150 में।
और 256 256 मिल जाएगा 3450। ये कौन सा रहेगा, हांगकांग रहेगा? ये सारा जो भी प्राइस बताया गया वो जापान वर्जन का प्राइस, जापान वर्जन का बताया गया। और इसमें 512 इसमें 512 जीबी चाहिए तो 3700 1TB इसमें आएगा? इसमें 1TB नहीं आता है, 1TB इसमें नहीं आएगा। अभी बारी आ गई है 14 प्रो की, 14 प्रो जिसके अंदर आपको यूएसए मेडल का भी प्राइस मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्राइस इसके अंदर, यानी कि फर्क आने वाला है प्राइसेस के अंदर जी। और 14 प्रो अगर हम उसकी बात करें, 14 प्रो 128GB यूएसए वेरिएंट 4000 दिरहम, 4000 जी। और हांगकांग और जापान वाला चाहिए तो 4220 मींस के 220 दिरहम का डिफरेंस फर्क आएगा, वेरी गुड। और इसमें 256GB चाहिए जापान वाला तो आपको मिलेगा 4550 जी। यूएसए वाला चाहिए तो यूएसए वाला भी आपको मिल जाएगा 4300 में, मींस के 250 दिरहम का डिफरेंस है यूएसए और जापान के अंदर। और अब बारी आ गई 512 की, 512GB चाहिए तो 512GB जापान वाला आपको मिलेगा 5600 में, okay। और यूएसए वाला मिलेगा 5200 में। और TRA भी रहेगा आपके पास? हमारे पास TRA भी अवेलेबल मिल जाएगा। और उसकी प्राइसेस तकरीबन हांगकांग से सेम रहेंगी? TRA का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट अभी मार्केट में काफ़ी हाई है, मींस के जो प्राइस है जापान है यूएसए है उससे थोड़ा हाई है, लेकिन अभी TRA का स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अभी बारी आ गई है 1TB की, 14 प्रो 1TB जापान वेरिएंट आपको मिलेगा 6100 में, और यूएसए वाला मिल जाएगा आपको 5700 मींस के 400 दिरहम का डिफरेंस पड़ेगा। बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस आ गया इसके अंदर। और अब बारी आ गई है 14 प्रो मैक्स की, उसमें 128GB कितने का रहेगा? 14 प्रो मैक्स 128GB यूएसए वेरिएंट मिलेगा 4600। और अगर बात करें हांगकांग की, जापान और हांगकांग चाहिए 4800 में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 256GB चाहिए यूएसए वाला तो आपको मिलेगा 4700 में, और जापान वाला सिम वाला चाहिए 5050। अच्छा खासा फर्क आ गया इसके अंदर जी। और अब बारी आ गई 512 की, 512GB आपको जापान और हांगकांग चाहिए 5800 और यूएसए वाला चाहिए तो 5400 में मिलेगा। वन एंड ओनली लास्ट जो 1TB मोस्ट डिमांडेड फोन है, जो बोलते हैं 1TB मींस के 1000GB का फोन, वो आपको मिलेगा 6600 में जापान वेरिएंट, और यूएसए वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6100 में। क्या बात है, तकरीबन 550 का फर्क, 500 से 550 दिरहम का डिफरेंस, 500 से 550 का डिफरेंस। और 13 की क्यों प्राइसेस भी ऊपर नीचे और हैं? आईफोन 13 128GB 2500 दिरहम, क्या बात है। इसमें सारे मॉडल रहेंगे आपके पास? 13 आईफोन 13 ओनली अवेलेबल मिल जाएगा, 13 प्रो 13 प्रो मैक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वॉच अल्ट्रा जो कि फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है और काफ़ी सारी डिमांड भी है उसकी, उसका भी प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, वो मिल जाएगी आपको 2900 में, ठीक हो गया। तो जी प्राइसेस तो आपने बता दिए, बता दीजिए कि इसके साथ जो बंदा कोई आता है शॉप के ऊपर उसको क्या मिलने वाला है, जो भी कोई चीज़ आईफोन के अंदर आपसे लेता है? हमारे पास कोई भी बंदा आएगा, सबसे पहले तो हमारा कस्टमर सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छा है और बेस्ट प्राइस के लिए जाना जाता है। और डिस्काउंट की बात करो तो प्राइस वीडियो से तो कम ही देते हैं, और आपका वीडियो देख के मींस कि आपका चैनल का स्क्रीनशॉट लेके आएगा तो साथ में एक कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी साथ में देंगे। क्या बात कर रहे हैं जी। तो लें दोस्तों, आज तक की जितनी भी अपडेट थी आईफोन की वो आपको मिल गई। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं पूछते चलें कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते वो कैसे लेंगे आपसे? आपको ऑल ओवर UAE में डिलीवरी चाहिए तो डिलीवरी भी अवेलेबल है, डिलीवरी के लिए 30 दिरहम कुरियर चार्जेस है, नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। और ऐसा बहुत कम शॉप वाले कर रहे हैं कि ब्रांड न्यू फ़ोन आपको कैश ऑन डिलीवरी पर मिल जाए, सही है जी। और यहाँ पर अगर आप आ नहीं सकते तो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आप घर बैठे ऑर्डर करें, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका जो 7 वंडर का फ़ोन नंबर है वो चल रहे हैं, लोकेशन मौजूद है, आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं कोई सा भी फ़ोन, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी डिटेल पता चल गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी हमें कॉमेंट में लाजमी बताइएगा। और जो शॉप के नंबर हैं इनके ऊपर आप रابطہ करेंगे आईफोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको मिलते रहेगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।